वेलकम बैक माई न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज बहुत ज़्यादा सर्दी है, और जैसे कि आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, हम लोग जो है अपने टीम के साथ टूर पे जा रहे हैं, और छोटा ही टूर है। और एसोप के माध्यम से इस टूर को हम लोगों ने अचीव किया, और आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में हमारे साथी हैं, कुछ लोग हैं यहाँ पे। कोशिश करेंगे इनसे थोड़ी बातचीत करें, कैसा महसूस कर रहे हैं ये लोग। और सर्दी बहुत है आज, अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। अभिनंदन जी। हेलो, हम यहाँ से निकलने वाले हैं, यहाँ से आगरा दिल्ली लाल किला हम टूर पर जा रहे हैं। बाकी आप भी आइए मानवीय अशोक के साथ, और अपने यहाँ जो है चुके हैं पूरी टीम के साथ टूर के लिए निकले हैं। 2 दिन की ये ट्रिप है, और एट दिस टाइम अभी डिस्ट्रिक्ट एटा में है हमारी, और बाकी कुछ साथी हमारे आगे। बड़ा बहुत है आज, सर्दी भी काफ़ी, लेकिन गाड़ी में हम लोगों को फील नहीं हो रही है। तो अभी जो नेशनल हाईवे है उस पर हम पहुंचने वाले हैं, और उसके बाद में वहाँ पे आपको बताऊंगा मैं लोकेशन चौराहे की, आगे के जो रोड हैं कहाँ के लिए जोड़ते हैं, किसको जोड़ते हैं, वो सारी चीज़ें हम आगे समझेंगे। ये हमारा और प्राइवेट बस अड्डा है एटा का, ये गंडोड़वाला रोड को जोड़ता है, और आगे ये आप देख रहे हैं ये जो तिराया है चौराहा। तो यहाँ से ये हाईवे इटावा मैनपुरी को जोड़ता है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में आप देख रहे हैं ये नोएडा दिल्ली गाजियाबाद अलीगढ़ को जोड़ता है। इस साइड में ये इटावा मैनपुरी को जोड़ेगा, और ये गाजियाबाद अलीगढ़ दिल्ली को जोड़ेगा। और जस्ट इसके पीछे ये गंडोड़वाला को जोड़ता है सुरबा होते हुए। तो आगे चलते हैं, और आगे कुछ क्लिप आपको मैं, और शानदार नज़ारा रहेगा लाल किला का, ताजमहल का। अभी हम लोग जो है दिल्ली हाईवे पे आ चुके हैं, और आगे रोडवेज बस स्टैंड है, बने रहिए। और अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिले, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हेलो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं एटा बस स्टैंड पर। ये रोड बस स्टैंड है, हमारे साथ ही हैं कुछ लोग हैं, पंडू सर हैं और कब साहब हैं, ये गाड़ी हमारी और दूसरी गाड़ी है। और आगरा में, और हमारे कुछ साथी हैं पीछे, यहाँ पे मार्क्स वगैरह हम लोग लेके फिर ताजमहल की तरफ बढ़ेंगे। पीछे हैं हमारे साथी, आप देख सकते हैं अभिनंदन जी वगैरह सभी लोग हैं, हमारे सर सत्यदेव जी हैं, और मार्क्स लगा रखा था क्योंकि मार्क्स इम्पोर्टेंट है जी, हमें दे दो। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं।